ये मेरे भाई है, शमीम भाई एंड वसीम भाई, दोनों मेरे भाई जैसे है, फैमिली रिलेशन है। और मैं इनकी फिल्म में एज ए नेगेटिव रोल प्ले कर रहा हूँ, एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहा हूँ। और हमारा फैमिली रिलेशन होने के नाते हमारा ऐसा रेपो है कि हम लखनऊ भी गए, दिल्ली गए इसी पिक्चर की पब्लिसिटी करने के लिए, सॉरी डैडी के लिए। तो हमारा एक अंदरूनी एक अच्छा बॉन्डिंग है, इसके लिए आई एम हमेशा उनके लिए तैयार रहता हूँ। ओके सर, क्या क्या फिल्म में खास होगा, व्हाट थी गेम टू रोल? देखो, फिल्म के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी, सॉरी डैडी। आज की दौड़ धूप की ज़िंदगी में, आज बॉम्बे की लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, आप लोगों को सबको पता है कि बॉम्बे आज मुझे मेरे घर से यहाँ आने में 1.25 घंटे लग गए, अम्बोली से यहाँ आने में। तो आप सोचो कि क्या ज़िंदगी बीतती है लोगों की। और बच्चों के हित के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके माँ बाप बच्चों से दूर सुबह से शाम तक, दोनों माँ बाप घर बसाने के लिए, घर चलाने के लिए एक अपने आप में बिजी रहते हैं, और बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनको टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप से थोड़े दूर हो जाते हैं। और आज फ़ोन पे इतना बड़ा इंटरनेट मीडिया दुनिया फ़ोन पे आ गई है, और बच्चे ये गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और वो गलत रास्ता उनको इस तरह से माँ बाप से अलग कर देता है कि ये एक गलत रात में और एक गलत बंदे के हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और उसी के बेस पे लेके हमने पिक्चर बनाई है सॉरी डैडी। जो भी इंसान, जो भी फैमिली को अपने बच्चों के साथ प्यार होगा, अपने बच्चों के साथ अटैच होगा, वो अपने 24 घंटे के अंदर से 2 घंटे अपने बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। जब ये पिक्चर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये एक फैमिली, और फैमिली के साथ बच्चों की क्या बाउंडिंग होती है। और जब बच्चे को पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमारे फ्यूचर के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उनके मुँह से निकलता है अल्टीमेटली कि हमने आपको गलत समझा था, वी आर वेरी सॉरी डैडी। उसी के नाम पर टाइटल रखा गया है। और शमीम भाई ने बहुत अच्छा काम किया है एंड वेरी हार्ड वर्किंग, एक्शन अच्छा हुआ है, बिकॉज एक्शन मेरे कलीग ने किया है, अपना महमूद भाई ने किया हुआ एक्शन है, और काम अच्छे किया है। और पिक्चर हर फैमिली को देखनी चाहिए सॉरी डैडी। अलग सवाल है, सलमान खान को आज कोर्ट ने रिलीज कर दिया है हिट एंड रन मामले, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इंडस्ट्री का, देखो भाई, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज सलमान के सर पे 13 साल से तलवार लटकी हुई थी, और उनकी मैंने अभी पिक्चर की थी, लास्ट फिल्म मैंने उनके साथ की थी, वीर है, मेरे स्टूडेंट है, मैंने उन्हें राइडिंग सिखाया, एक्शन सिखाया, और मुझे भी कहीं अंदर से फील होता था कि इन बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और देखो, ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रूव कर दिया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आदमी अगर लोगों के इतने करीब है, लोगों की दुआ, ऊपर वाले की दुआ और आशीर्वाद की वजह से आज सलमान को 13 साल की, उसको सज़ा नहीं मिलने के बावजूद ही 5 साल की सज़ा के कारण उसने 13 साल की सज़ा काटी है ऑलरेडी। दिन रात टेंशन में तो आदमी रहता है, जिसकी वजह से आज ऊपर वाले ने उसे सारे इससे बरी कर दिया है, आज आज़ाद है। और सलमान मेरे हिसाब से उसकी लाइफ का बेस्ट दिन होगा आज का दिन, जब उसके आँखों में आंसू देखे गए कोर्ट में, तो वो दुआ के आंसू, खुशी के आंसू थे कि आज अल्लाह मियाँ ने उसको बरी कर दिया, भगवान ने, ऊपर वाले ने, कि आज सच्चाई की जीत हुई है। This is, I think, 90% story is totally different from other stories. You get good messages to the public and that you wanna watch in the movie only. So I can't express that. सलमान खान वो हो गए, मेरे सामने तो एक अहम समस्या ये है कि जो मारे गए गरीब, उनका कंपनसेशन कब मिलेगा? ये ना तो, ये इस बात की चर्चा ना तो मीडिया कर रहा है, ना सलमान खान के फैन कर रहे हैं, ना जुडिशरी कर रही, ना गवर्नमेंट कर रही है। उन गरीबों को कंपनसेशन कब मिलेगा ये बात करें। ना तो मैं इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव हूँ, ना ही मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ना ही मैंने इसको केस को स्टडी किया, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसको स्टडी करता फिरूँ। हाँ, मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि गरीब फुटपाथ के ऊपर मर गए हैं, उनको कंपनसेशन जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आप मुझे बता दीजिएगा। अब जो चले गए हैं, अब उनकी जान तो वापस आएगी नहीं, तो इंसाफ का क्या बोलूँगा।